तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना। होप सो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों में हमारे हेयर केयर, हमारे हेयर को ना अलग तरीके से केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पुराना तरीका ही यूज करते हो तो ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है। जैसे सीजन बदलता है वैसे हम अपना खान पान भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैं राइट। सो फ्रेंड, उसी तरह हमें अपने बालों का भी ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि किस तरह से ख्याल रखना है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट यू नो हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि मैं बता दूं फ्रेंड, सफेद बाल सबके होते हैं। देखिए, एक आध दो सफेद बाल सबके ही रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जिसके सफेद बाल नहीं होंगे। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, ये नुस्खा जो आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत सारे हेयर केयर करती रहती हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही अच्छे अभी तक ब्लैक बने हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे इस तरह से हेयर केयर आप लोगों के सामने रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, आज सर्दियों के हिसाब से मैं आज आपके लिए जो हेयर केयर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना और इसे इम्प्लीमेंट जरूर करना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें लेना है एक बाउल, और यहाँ पर सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें लेना है कर्ड। जी हाँ फ्रेंड, जो दही होता है फ्रेंड्स में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है, बालों को झड़ने से बचाता है, बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजिंग का काम करता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, करीबन 3 टेबलस्पून मैंने कर्ड ले लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, लेमन। लेमन जो होता है फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेमन भी सेम काम करता है फ्रेंड, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐड भी कर सकते हो। अगर आपके बालों में ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड। और यहाँ पर आप इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड। अंडा क्या होता है फ्रेंड, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अंडा हम नहीं यूज़ करते, तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ जो लोग अंडा लगाते हैं वो अच्छे से, अगर आपकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो 2 अंडा, अदरवाइज़ 1 अंडा इनफ है फ्रेंड्स। और अंडा आपको पूरा लेना है, येलो पार्ट भी आपको लेना है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और येलो पार्ट जिसको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो सिर्फ वाइट पार्ट आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गए थोड़े से आप लोगों के लिए टिप्स। और यहाँ पे हमें ऐड करने हैं टमाटर। जी हाँ फ्रेंड्स, टमाटर जो होता है हमारे बालों के लिए रामबाण होता है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि टमाटर से डैंड्रफ, खुजली, गंदगी ये सब रिमूव होती है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है फ्रेंड्स, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इवन हमारे बालों को ये काला बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है फ्रेंड्स। केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट के जगह आप ये टमाटर लगाइए, आपको कभी डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ फ्रेंड, ये इंस्टेंट तो काला नहीं करता, आपको ये नुस्खे लगातार करते रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड कि कॉफ़ी जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को शाइनिंग बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, रूखे सूखे दिख रहे हैं, तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, आपको 1 टाइम में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड। और ये आपके बालों को काला ही भी बनाता है, बालों को सिल्की भी बनाता है, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है फ्रेंड। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार ये नुस्खा जरूर ट्राई कीजिए। और इसे वीक में एटलीस्ट आप 3 टाइम्स यूज़ कीजिए, और कम से कम इसे हाफ एन आवर्स तक अपने अच्छी तरह से स्कैल्प पे, पूरे अपने बालों पे अच्छी तरह से इसे लगा के रखिए फ्रेंड्स। और शावर कैप हो तो पहन लीजिए, और उसके बाद किसी भी नॉर्मल शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड, बट ये है आपका मास्क जो है ना तैयार हो गया, इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और अपने फीडबैक